Hi everyone, this is Aarti and welcome back to my channel Aarti Education. And in today's video, we're gonna talk about how to clear UK interview. So, for a student visa, there are two types of interview. One is CAS and second is your visa interview. So, CAS interview will gonna happen before issuing you the CAS. University will gonna take your pre-CAS interview, and if they are satisfied with your answers, then only you'll able to get your CAS. Second is your visa interview, and visa interview will happen once you're done with your biometric. Dono hi case mein jo questions hain wo almost same rehte hain. This interview might take from 15 to 45 minutes, so do prepare accordingly. So before starting this video, I would like to give some tips that will gonna help you to clear your interview. First is be confident and calm. So don't get nervous while you are giving your interview. Try to give it with confidence. Second is research about your university, course and country, because in interview there are many questions which is related to the country, which is related to the university and course. So it will be good if you can research in advance. Third is do take this interview very very seriously. Reason being, if any point of time interviewer might think that you are not serious enough about this interview, there are chances you may get a rejection from them. Fourth is speak naturally. So there is no need to copy anything from website and Google. Just take a reference from there and make your own answers and speak naturally in your interview. So now let's start with questions. Ki kya kya questions majority puche jate hain. अगर आप इन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे सो आई एम श्योर आप अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो. सो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. सो आपको इसके आंसर में सब कुछ बताना है, लाइक योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर बैकग्राउंड, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, व्हाट यू हैव डन इन योर एकेडमिक्स, इफ यू आर डूइंग एनी जॉब, इफ यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस. वो सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि कहाँ कहाँ किया है, कितने साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस है, किस किस डेजिग्नेशन पे आपने काम किया है और क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने हैंडल करी है. सो वो सारी चीजें आप अपने इंट्रो में बताओगे. सेकेंड क्वेश्चन इज वाई यूके. सो ये एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है और इसका आंसर भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. सो वाई यूके में आप बता सकते हो कि अगर आपने किसी और कंट्री के लिए ट्राई किया था, सपोज आपने यूएस के लिए ट्राई किया था या कनाडा के लिए ट्राई किया था, बट उसके बाद आपने यूके क्यों चूज किया, उसमें आप यूके यूनिवर्सिटीज का रैंकिंग बता सकते हो, यूके एजुकेशन सिस्टम बता सकते हो, यूके का कॉस्ट बता सकते हो, टेन्योर ऑफ कोर्स बता सकते हो. सो बहुत सारी चीजें हैं जो डिफ्रेंशिएट करती है यूके को बाकी अदर कंट्री से. सो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि व्हाई यूके इज बेटर देन एनी अदर कंट्री. मेक श्योर कि जितने भी आंसर्स हैं उसमें सिर्फ आप यूके को ही फोकस करो, बाकी कंट्रीज के बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं बताना है. जहां पे आपको कंपेयर करना है सिर्फ वहीं पे आपको बाकी कंट्रीज के बारे में बताना है, अदरवाइज आपको सब कुछ यूके के बारे में ही डिस्कस करना है. थर्ड क्वेश्चन विल बी व्हाट ऑल यूनिवर्सिटीज यू हैव अप्लाइड इन यूके. सो जब ये क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं जिसका इंटरव्यू वो लोग दे रहे हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है. रीजन भी क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी पता होता है कि जब एक स्टूडेंट अप्लाई करता है स्टडी अब्रॉड के लिए, सो ऑब्वियसली दे फोकस 3 to 4 यूनिवर्सिटी. कोई भी एक यूनिवर्सिटी को अप्लाई करके डिसीजन नहीं ले सकता. सो यू हैव टू बी जेन्युइन इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन. जो भी यूनिवर्सिटीज आपने अप्लाई करी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. सपोज आप कोई भी प्रोग्राम के लिए जा रहे हो और आपने 4 to 5 लाइक आपने कोवेंट्री, ग्रेनिच, लीड्स, बेकेट, कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन कोई भी यूनिवर्सिटी अप्लाई करी है, तो वो सब आपको बताना है कि आपने ये सारी यूनिवर्सिटीज अप्लाई करी हैं. मेक श्योर इस क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपने ये यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज करी. सो आपको खाली उतना ही आंसर देना है जितना क्वेश्चन में पूछा गया है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाई यू वांटेड टू स्टडी इन सच एंड सच यूनिवर्सिटी. सो इस आंसर के लिए आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करना है यूनिवर्सिटी के ऊपर, जिसमें इंक्लूडेड है यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड, कब यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी, कौन कौन से यूनिवर्सिटी के फेमस फैकल्टीज हैं, यूनिवर्सिटी का यूके में क्या रैंकिंग है. अगर यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड वाइड रैंकिंग अच्छा है तो आप वो भी बता सकते हो, प्लस कौन कौन से एक्रीडेशन यूनिवर्सिटी के पास है और क्या क्या फैसिलिटीज है यूनिवर्सिटी के पास, ये सारी चीजें आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में
बतानी है अपने इस आंसर में. नेक्स्ट क्वेश्चन दे माइट आस्क यू अबाउट द प्लेस. सो सपोज इफ यू आर गोइंग टू लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी, सो क्वेश्चन वुड बी टेल मी समथिंग अबाउट लीड्स. सो उस सिटी में जहां भी आप जा रहे हो, अगर आप लंदन जा रहे हो, आप लीड्स जा रहे हो, आप मैनचेस्टर जा रहे हो, आप किस भी सिटी में जा रहे हो, उस सिटी के बारे में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना है, देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी के आसपास क्या क्या चीजें हैं, इसके लिए वो सिटी फेमस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको उस सिटी में मिल सकती है. तो ये सारी चीजें आप जब आपको सिटी वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें डिस्कस करना है. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द कोर्स यू विल बी स्टडिंग. सो इस केस में भी आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करना है अपने कोर्स के बारे में और क्या क्या चीजें बतानी है. सो आपको आपका कोर्स नेम बताना है, आपको एटलीस्ट आपके मॉड्यूल्स पता होने चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से आपके कंपलसरी मॉड्यूल्स हैं और कौन से आपके ऑप्शनल मॉड्यूल्स हैं. इट माइट हैपन कि मॉड्यूल्स में से इंटरव्यूअर आपको बोल दे कि क्या आप कोई दो मॉड्यूल्स बता सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो कि आप उसमें क्या पढ़ोगे. ऐसा डिटेल स्टडी आप मॉड्यूल्स के बारे में करो, प्लस आपके कोर्स का डायरेक्टर कौन है, क्या आपके कोर्स की फीस है, क्या आपके कोर्स का एक्रीडेशन है, क्या आपके कोर्स की रैंकिंग है. तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो इसके लिए आप अच्छे से रिसर्च करके जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल दिस कोर्स कम्बाइन विद योर प्रीवियस स्टडीज. सो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको बताना है कि ये कोर्स कैसे रिलेटेड है आपकी प्रीवियस स्टडीज से. अगर स्टडीज से रिलेटेड नहीं है तो आपके प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस से. सो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि आपने पहले क्या किया, आई मीन इन टर्म्स ऑफ एकेडमिकली और इन वर्क एक्सपीरियंस, एंड हाउ यू हैव डिसाइडेड टू डू दिस कोर्स. सो ये सब कुछ आपको इस आंसर में एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हाउ दिस कोर्स विल गोना हेल्प यू टू अचीव योर करियर गोल्स. सो इस कोर्स को करने का मोटिव क्या है आपका, आपको वो बहुत क्लियरली मेंशन करना है. प्लस इसके बाद आप क्या करना चाहते हो. सपोज अगर आप किसी भी प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो या आप आर्ट्स के लिए जा रहे हो या आप ह्यूमैनिटीज के लिए जा रहे हो, उसके बाद आप क्या प्लान कर रहे हो अपने लिए, वो आपको डिस्क्राइब करना है. इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो भी आप कोर्स करने जा रहे हो उसके बाद कौन कौन से जॉब्स आपको मिल सकते हैं यूके में और इंडिया में, आपको दोनों ही बताने हैं. प्लस आपको उन कंपनीज के नाम भी पता होने चाहिए जिनके पास वो जॉब्स अवेलेबल हैं इन यूके और इन इंडिया. एक और चीज जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, जब भी आप यूके के लिए इंटरव्यू देते हो, बी क्लियर अबाउट योर इंटेंशंस कि आपको कहीं पे भी ये शो नहीं करना है दैट यू आर गोइंग टू यूके एंड यू आर लुकिंग फॉर पीआर. रीजन बीइंग यूके इज नॉट अ पीआर फ्रेंडली कंट्री. और जहां पे भी आपके इंटेंशंस आप ऐसे दिखा देते हो कि हाँ मुझे सिर्फ जॉब चाहिए या स्पॉन्सरशिप चाहिए इसीलिए मैं यूके जा रहा हूँ, तो उस केस में बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको रिजेक्शन आ सकता है. सो आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है, अगर आप यूके जा रहे हो, बी क्लियर कि यूके एक पीआर फ्रेंडली कंट्री नहीं है. अगर आपको पीआर चाहिए तो आप और कंट्रीज के ऑप्शन भी एक्सप्लोर करो. अगर आपने यूके डिसाइड किया है तो आपको कहीं भी ये शो नहीं करना है कि आपके इंटेंशन पीआर के लिए है. आपको खाली यही शो करना है कि आप सिर्फ अपनी स्टडीज के लिए जा रहे हो. आप वहां पे थोड़ा एक्सपोजर लोगे, जो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा उसको आप लोगे और उसके बाद आप वापस इंडिया आ जाओगे. आपको ये चीज डे वन से क्लियर करके चलनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी अबाउट योर इंग्लिश टेस्ट. अगर आपने कोई इंग्लिश टेस्ट लिया है, लाइक आपने आईएलटीएस, टॉफिल, पीटी ऐसा कोई टेस्ट लिया है, तो आपको आपका स्कोर पता होना चाहिए. आपने किस मंथ में लिया था आपको ये पता होना चाहिए, और आपका कितना आया है बैंड ईच मॉड्यूल में आपको ये भी पता होना चाहिए. सो ये सारी चीजें आपको पता हो आपके इंग्लिश टेस्ट के बारे में और यही आपको आंसर करना. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हाउ डू यू इंटेंड टू ट्रेवल फ्रॉम योर कंट्री टू द प्लेस ऑफ स्टडी. अब यहाँ इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाहता है कि क्या आपने उतना रिसर्च किया है, आपको पता है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है, वो यूनिवर्सिटी किस जगह पे है, क्या नियरेस्ट एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए आप क्या क्या कन्वेंस यूज कर सकते हो, आप कैसे जाओगे एग्जैक्टली, बाय बस, बाय मेट्रो, बाय कैब, जो भी ऑप्शंस हैं क्या वो आपने एक्सप्लोर किए हुए हैं. सो मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें भी रिसर्च करके रखो. आप देखो कि आपके यूनिवर्सिटी के पास का एयरपोर्ट क्या है, कैसे आप यूनिवर्सिटी पहुंचोगे,
इंडिया से कौन कौन सी फ्लाइट जाती हैं, डायरेक्ट जाती हैं या वाया किसी कंट्री से जाती हैं, तो ये सारी चीजें भी आप रिसर्च करके रखो क्योंकि ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस वुड बी रिलेटेड टू फाइनेंसेस और फाइनेंसेस से रिलेटेड भी मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि दे माइट आस्क यू व्हाट इज द मेंटेनेंस फीस। तो मेंटेनेंस फीस इज व्हाट यू हैव टू शो फॉर द लिविंग एक्सपेंसेस इन यूके। सो मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि लिविंग एक्सपेंसेस लंदन का अलग है, अदर सिटीज का अलग है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है जिस भी सिटी में आप जा रहे हो। प्लस उसके अलावा एक डिटेल डिस्कशन होता है रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस। सो फाइनेंसेस में दे वांट टू नो कि आप जो अपने पैसे हैं वो कैसे अरेंज कर रहे हो, और अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो आप उसको रीपे कैसे करने वाले हो। सो अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, सो मेक श्योर कि आपके पास एक प्लान है जिसके थ्रू आप बता पाओगे कि आपने कितने का लोन लिया है और कैसे आप इसको रीपे करोगे। अगर आपको आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, और क्या आप उनके अकाउंट में दिखा रहे हो या आप अपने अकाउंट में दिखा रहे हो। इट माइट हैपन कि अगर इंटरव्यू को थोड़ा बहुत कोई डाउट होगा, सो दे माइट डिग अ लिटिल, दे माइट आस्क यू अबाउट द फैमिली अर्निंग, फैमिली एक्सपेंडिचर, फैमिली सेविंग्स। तो ये सारी चीजें भी आप पहले से कलेक्ट करके रखो फाइनेंसिस के बारे में। प्लस एक और चीज, आपको कहीं भी ये शो नहीं करना है कि आपको फाइनेंसिस का क्रंच है। अगर आप ये बता दोगे कि आपको फाइनेंसिस का क्रंच है, माइट हैपन कि आपको रिजेक्शन आ जाएगा, बिकॉज सब कुछ फाइनेंसिस पे डिपेंड करता है। आपको जेन्युइनली जितना भी फंड्स आप अरेंज कर रहे हो, जितना भी फंड्स आप दिखा रहे हो, वो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रोग्राम। सो आपका जो भी प्लान है आप वो डिस्कस कर सकते हो, कि आप 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा लेना चाहते हो तो आप बता सकते हो कि हाँ आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करोगे यूके में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप बता सकते हो कि आपको वापस इंडिया आना है। मेक श्योर कि आपको आपके टाइज जरूर बताने हैं, और आपको आपकी इंटेंशन ये जरूर क्लियर करनी है कि अगर आप पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी लेते हो आफ्टर फिनिशिंग द पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, यू विल बी कमिंग बैक टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी रिलेटेड टू योर स्पाउस और फैमिली, बिकॉज अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है डिपेंडेंट का यूके में, एंड देयर आर न्यू, शायद डिपेंडेंट अलाउ ही नहीं करेगा यूके वीआई आफ्टर सेप्टेम्बर इनटेक। सो डिपेंडेंट के लिए हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। इफ यू हैव योर फैमिली और डिपेंडेंट कमिंग अलॉन्ग विद यू, यू कैन मैंशन जो भी आ रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करना पड़ेगा, और वो क्यों आ रहे हैं, व्हाट आर द इंटेंशंस, वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी अबाउट योर फ्रेंड्स और फैमिली इन यूके। इफ यू हैव एनी यू कैन मेंशन, इफ यू डोंट हैव एनीवन देन यू कैन से नो। लास्ट क्वेश्चन, दे माइट आस्क यू फ्रॉम वेयर यू आर फाइलिंग योर वीजा। सो जो भी VFS सेंटर आपके नियर बाय है आप चेक करके रखो, और वो आप बता देना कि किस भी, आप दिल्ली से कर रहे हो, चंडीगढ़ से कर रहे हो, पुणे से कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो वो आपको आपका सेंटर मेंशन करना है। सो मेजॉरिटी यही क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जाते हैं। सो यही आपको अच्छे से रिसर्च करना है और आपके आंसर्स देने हैं। मेक श्योर कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके फाइनेंशियल्स और आपका रिसर्च अच्छे से हो, और आप बहुत नेचुरली उन आंसर्स को दे पाओ। और अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो, आई एम श्योर आप अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर करोगे। एंड इन केस इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरव्यू, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।